हेलो फ्रेंड, दिस इज थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम। दिस इज चैप्टर 5 ऑफ क्लास 8। ओके, आज हम पेट्रोलियम के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। विद इन कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यील्ड अ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। देखिए कहा क्या रहा है कि जब हम बेसिकली जो पेट्रोलियम है उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में हाइड्रोकार्बन्स के मीथेन सब होते हैं, और जब भी हाइड्रोकार्बन्स और मीथेन ही नहीं और भी दूसरे हर प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। तो हम बात करते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन्स को जो पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं उनको जब हम कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो हमें दो चीज मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन जब उनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिलता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट। जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अगर हमारे इन्वायरमेंट में निकलेगा तो ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देगा। द टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन व्हीकल्स एग्जॉस्टेड गैस इज नोन एज इमिशन टेस्ट। हमारे व्हीकल में जो टेस्ट किया जाता है कि हमारे व्हीकल के द्वारा कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है, उस टेस्ट को हम लोग इमिशन टेस्ट कहते हैं। इमिशन टेस्ट से हम व्हीकल से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को टेस्ट करते हैं। ठीक है, गैस एनालाइजर इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एग्जॉस्ट गैसेस। अब एग्जॉस्ट गैसेस में हम लोग गैस एनालाइजर लगाते हैं जो ये डिटेक्ट करता है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्सेस, सभी जानते हैं, एंड देयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, और इनके बनने में लाखों साल का समय लगते हैं, क्योंकि ये बनते हैं समुद्री जीवों के से जो मर जाते हैं। मरे हुए समुद्री जीवों से बनते हैं जब वो मर के समुद्र की पेंदी में बैठ जाते हैं और उनके ऊपर परत पड़ती जाती है। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ये परत काफी मोटी हो जाती है चट्टान की तरह, और वहां ईयर के अब्सेंस में हाई प्रेशर और टेम्परेचर में जो डेड बॉडी है एक्वेटिक एनिमल्स का वो डिकम्पोज जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लिमिटेड, दैट इज दे आर फाउंड Only in few places on the earth. पेट्रोलियम की जो मात्रा है हमारे धरती पर वो सीमित है, और वो हमारे धरती पर कुछ ही जगह पाया जाता है, मतलब सभी जगह और abundant amount में, अत्यधिक प्रचुर मात्रा में इसे नहीं कह सकते हैं कि ये पाया जाता है। ये लिमिटेड जगह है, लिमिटेड है और लिमिटेड जगह ही पाया जाता है। The ever increasing population has further increased the demand for petroleum and its product. जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पेट्रोलियम का डिमांड भी बढ़ रहा है। ठीक है, और पेट्रोलियम से के प्रोडक्ट जो है उनकी भी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस पीपल ऑन द वेरियस मेथड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड टू कंजर्व पेट्रोल डीजल। भारत में PCRA है जिसका फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो लोगों को बताता है कि कौन से ऐसे तरीके हम कर सकते हैं जिससे पेट्रोल और डीजल की खपत को कम कर सकते हैं। तो कौन कौन तरीके हैं, अपने घर जो व्हीकल है उसकी एफिशिएंसी को चेक करें, ठीक है, टाइम टू टाइम उसका सर्विसिंग करें, ठीक है, उसके चैन वगैरह ये सब है वो सबको टाइट रखें, क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं वो आपके एफिशिएंसी माइलेज को कम करती हैं जिससे पेट्रोलियम का खपत ज्यादा होता है। ठीक है, और ये सभी चीजों को हम करें तो पेट्रोलियम की खपत को हम कम कर सकते हैं। और भी दूसरे तरीके हैं जो एडवाइस किए जाते हैं PCRA के द्वारा, जिसका मेन मोटिव ये है एडवाइस करके लोगों को, ताकि लोगों के द्वारा ऐसे तरीकों का उपयोग हो जिन तरीकों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत कम से कम हो, और मोस्टली पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो सके। ठीक है, हीटिंग हायर alkanes to sufficiently high temperature in absence of oxygen in order to obtain lower hydrocarbons is known as cracking or pyrolysis. क्या कहते हैं
कि जब हम लोग अल्केन को हीट करते हैं सफिशियंट टेम्परेचर पे, सफिशियंट टेम्परेचर लेकिन ऑक्सीजन के अब्सेंस में, बात को समझिए, ऑक्सीजन के अब्सेंस में अल्केन को सफिशियंटली हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्रैकिंग या पैरोलाइसिस करते हैं, ठीक है, समझ गए। हीटिंग हायर अल्केन्स टू सफिशियंटली हाई टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लोअर हाइड्रोकार्बन्स इज नोन एज क्रैकिंग और पैरोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट, नेचुरल गैस, इट्स आल्सो फॉसिल फ्यूल, इट इज फॉर्म फ्रॉम अ डेड ऑर्गेनिज्म व्हिच डीकंपोज इन द अब्सेंस ऑफ एयर अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये प्राप्त होता है डेड ऑर्गेनिज्म से जो डिकम्पोज होता है ऑब्सेंस ऑफ एयर और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के मौजूदगी में, ठीक है। इट इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम लोग हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके सिलेंडर में डालते हैं जिसको सीएनजी बोलते हैं, यानी नेचुरल गैस को जब सिलेंडर में कंप्रेस करके डालते हैं तो उसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स बिकॉज इट इज क्लीनर फ्यूल लेस फ्लोटिंग। इसका हम लोग व्हीकल में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफी लेस पोल्यूटिंग है, इसलिए बहुत सारे शहर अब सीएनजी से चलने वाले व्हीकल का उपयोग करने लगे। इसका मेन मोटिव यह है कि इनसे चलने वाले व्हीकल अगर रहेंगे तो उनसे कम से कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। अब बहुत जगह तो सीएनजी पेट्रोल पंप बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं, और बहुत सारे शहरों में सिर्फ सीएनजी से चलने वाले गाड़ी ही चलाए जा सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से अब देखिए नेचुरल गैस के बारे में ज्यादा कंफ्यूजन है कि कहीं और मिलते हैं। आप याद रखिए कि हर वो सोर्स जहां से हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं वहां आपको नेचुरल गैस मिलेगा। नेचुरल गैस बेसिकली उस पार्ट में सबसे ऊपर होता है। सपोज दैट ये वाला पार्ट रॉक है, ठीक है, और यहाँ आपका ये पार्ट में आपका पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम अगर नीचे होगा तो ऊपर वाला अमाउंट में आपका क्या होगा, नेचुरल गैस होगा और नीचे वाला अमाउंट में पेट्रोलियम होगा। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे सोर्स होते हैं जहां पेट्रोलियम ना हो लेकिन वहां नेचुरल गैस जरूर होते हैं, मतलब कि यहाँ पे पेट्रोलियम नहीं है ये सोर्स जहां पे ऐसा, लेकिन वहां पे नेचुरल गैस है, लेकिन जहां भी पेट्रोलियम है उसके ऊपर नेचुरल गैस जनरली पाया ही जाता है, होता है, लेकिन ऐसे भी जगह जहां नेचुरल गैस पाए जाते हैं जरूरी नहीं है कि वहां पेट्रोलियम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।